हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सुनीता प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या आपने छत पर सब्जियाँ देखी होंगी और फल फूल देखे होंगे, लेकिन तरबूज और घी तरबूज और खरबूजा नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तरबूज और खरबूजे, जो कि मैं हार्वेस्टिंग करके सब कोई खा भी चुके हैं। खरबूजा दूसरी वैरायटी वाला, और मैं दिखा भी दूंगी। यहाँ पर देखिए, ये देखो कितना भारी है, 2 किलो का हमारा इकला ही खरबूजा यहाँ पे है। और हमने इतने बड़े बड़े दो खरबूजे पहले भी कटिंग कर लिए हैं और खा भी लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बंदर देखो बोल रहे हैं, मोर भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, मोर भी और बंदर भी। बोलने के बावजूद भी ये जो जाली है, जाली के कारण आ नहीं पाते हैं। आते तो हैं कभी कभी, लेकिन मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो बंदरों की आवाज़ सुन के मैं एकदम देख लेती हूँ। देखो वो बंदरों की आवाज़ आ रही है, कू कू कर रहे हैं बंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे लौकी भी लगे हुए हैं, और भी स्टार्ट हो रहे हैं लगने। तो चलिए पूरा टेरेस गार्डन हम निहार लेते हैं। तरबूज कहाँ पे है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसा आपको यहाँ पे तरबूज नज़र आ रहा है, मैं अभी बैग दिखाती हूँ, ये देखिए वैसे ही और भी काफ़ी सारे दिखाती हूँ मैं अभी आपको। बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए, बने रहना है ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं बैग दिखाती हूँ आपको। ये तरबूज आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट की बात करने वाली हूँ मैं अभी आपसे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये किस कारण, इस सपोर्ट के कारण लग पा रहे हैं या फिर बिना सपोर्ट के लग पाते या नहीं। क्योंकि ये लेंटर है, और ये देख सकते हैं ये छत है। तो देखिए, ये चार गमले हैं, चार गमलों में मैंने बांस, चार बांस को यानी चार डंडों को गाड़ देना है, ये देख सकते हैं। और ऊपर से छत को बढ़ा देना है, जितनी भी आप चाहेंगे छत बढ़ानी, उतनी ही ये छत बढ़ा सकते हैं, जो कि सपोर्ट होती है, इसे आप बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरबूज हमारे हर जगह लग रहे हैं छोटे छोटे। और इस सपोर्ट के कारण ये तरबूज हमारे नीचे को लिकड़ जाते हैं, और बेल हमारी आगे को लिकड़ जाती है इस तरह से, यह देख सकते हैं। तो इस तरह से ही तरबूज लगते जाएंगे और नीचे को निकलते जाएंगे ये। और घिया भी यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं लगने। ये गट्टे वाली बेल है जो कि इस गट्टे में बुरी है। और तरबूज की भी बात कर लेते हैं कि ये तरबूज की जो बेल है, एक इस गट्टे में है, एक उस गट्टे में है। और यहाँ पे मिट्टी में है तो ये तरबूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे मिट्टी की सपोर्ट मिल रही है। मिट्टी की ये क्यारी है जो कि मैंने बनाई थी अपने आप। और अब इस बेल को देख लेते हैं कि बेल पे कोई कीट तो नहीं हो रही है। तो अभी बेल सुरक्षित है और बेल पे कोई कीट नहीं हो रही है। पहले होगी थी, तो मैंने जो ऑर्गेनिक तरह से होती है स्प्रे, वही मैंने कर दी थी, और वो कीट अचानक गायब होगी अपने आप से ही। तो ये बेल इतनी अच्छे से क्यों फैल फैल के हो रही है, इतनी सारी ब्रांचेस क्यों हो रही हैं, और छोटी सी बेल में ही फ्लावर्स क्यों लगने लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपना किचन वेस्ट होता है, वही मिली हुई सारी मिट्टी है ये। और फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है, ये है पानी का, जो कि देखिए इतने गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे गीला है, मिट्टी गीली है।
और ये पाइप में मैं पानी देती हूँ, ऊपर से भी मैं पानी देती हूँ और ये पाइप में देती हूँ पानी। तो पाइप में जैसे देती हूँ तो इसके जड़ों में पानी नीचे बेल की जड़ों में पहुँच जाता है, तो इसके कारण ये बहुत अच्छी फैल रही है बेल। मैंने भिंडी अभी 2 दिन पहले बनाई थी और ये मैंने पकने के लिए छोड़ दी हैं, क्योंकि भिंडी का काफ़ी सारा बीज अपने पास चाहिए। ये भी पकने के लिए हैं और जो बाकी लग रही हैं चारों ओर और छोटी छत पे, ये उनकी मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर भी ये पकने के लिए हैं और उन पेड़ों पे जो लग रही हैं भिंडी, उन्हें मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी दे रही हूँ पाइप से और यहाँ पे टंकी हो गई है शायद खाली, तो टंकी के बारे में देख के आती हूँ पहले और फिर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी देखिए खरबूजे लग रहे हैं और मैंने यहाँ से पहले हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, यह देख सकते हैं कि यहाँ पर भी खरबूजे लगे हुए हैं और 2 खरबूजे लग रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये खरबूजे की जो वैरायटी है ये बहुत ही अच्छी है, मीठे बहुत लगते हैं ये और देखने में एकदम सफ़ेद हो जाते हैं ये। यहाँ पर भी बेलों पे छोटे छोटे लग रहे हैं खरबूजे भी और तरबूज भी लग रहे हैं, और छोटी सी यहाँ पे देखो अब फिर से आने लगी है इस बेल पे। नहीं तो ये वाली बेल मैंने बहुत सारी अलग से छोटी वाली छत पे भी मैंने लगा के रखी हैं, जो कि दूसरी छत है, और यहाँ पर भी है और अभी आपको दिखाने वाली हूँ पीछे भी है। और ये तोरी की ब्रांचेस देखो यहाँ से भी निकलने लगी हैं, 2 निकल गई हैं यहाँ से और एक वहाँ पर पहुँच गई है, ये देखिए वहाँ पर पहुँच गई है निकल के, ये देखिए यहाँ से निकल के वहाँ पे तोरी की ब्रांचेस पहुँच गई है, और ये एक यहाँ पर है तो इसे भी मैं ऊपर को ही कर दूँगी। तो बताइए गाइस इस घिया को हम पकने के लिए छोड़ दें या फिर इसे हार्वेस्टिंग कर लें फिर से। अभी पहले इससे बड़े बड़े घिया थे जो मैंने रेसिपी बना ली है, सब्जी बना ली है, और आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ जो कि एक पोट है, यहाँ पर ये 1 40 रुपए की पोट मिल जाती है, मछली वालों के दुकान पे मिलेगी 40 रुपए की, और कहीं की मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो यहाँ पर भी देखिए लग रहे हैं और मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग भी कर लिए हैं, ये देखिए यह देख सकते हैं यहाँ पर भी लग रहे हैं। फ्लावर्स सबसे ज़्यादा आने का कारण यही है कि जो अपना किचन वेस्ट होता है उसी से ही फ्लावर्स ज़्यादा पेड़ पौधों पे भर भर के आता है, और यही कारण होता है फ्लावर्स ज़्यादा आने का। अभी देखो मैंने 3 दिन पहले ये नाली का साग जो बोलते हैं इसे मेरे क्षेत्र में, ये मैंने हार्वेस्टिंग किया था और अभी फिर दिखने लगा है ये देखिए,
और दूसरी छत पे भी है, और यहाँ से लेके इस क्यारी में वहाँ तक है जो कि बेलों से दब गया है। जैसे ही बेल सूख जाती हैं वैसे ही ये नाली का साग एकदम उभर के आ जाता है। वाह, इस पर भी फ्लावर्स आने लगा है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस पर टमाटर तो सूख ही जा रहे हैं और इस पर फ्लावर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तरबूज भी लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लग रहे हैं तरबूज। और तोरी पे भी अच्छा फ्लावर्स आने लग गया है, ये देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि ये मैंने लेंटर पे लगा के किस चीज़ में रखी है। तो ये एक देखिए गट्टा है, मेरे क्षेत्र में इस प्लास्टिक के बैग को कहते हैं गट्टा और कहीं कहते हैं इसे कट्टा, कहीं कहते हैं गट्टा। तो देखिए इसमें अभी तक नहीं जमा है और इसके साथ से देखो ये दोनों बेल जम गई हैं और बहुत बड़ी हो गई हैं, तो शायद गीलापन इसमें कम है और इसमें भी अभी नहीं जमा है। एलोवेरा मेरा कलम ग्राफ्टिंग के लिए हर जगह रहता है। बहुत तकड़ी गर्मी है और बहुत तकड़ी गर्मी होने के कारण भी मेरे टमाटर के पौधे बच गए हैं। बहुत प्यार से लगाए थे मैंने टमाटर के पौधे को, और देखो ये करेले की बेल यहीं पर फैल गई है बहुत ज़्यादा और अच्छी से हो रही है, हरी हरी सी एकदम। और इसमें तीन भिंडी के पौधे भी जम गए हैं क्योंकि पहले मैंने भिंडी के पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे इसमें, और ये जमे नहीं थे तो मैंने करेले की बेल उठा के लगा दी थी इसमें ट्रांसप्लांटिंग से, और एक ये टमाटर का पौधा रख दिया था तो उसके बाद में ये जमे हैं भिंडी के पौधे, तो इन्हें मैं लिकाड़ नहीं सकती। इसमें भी जम रहे हैं गर्मी की वजह से, देखो मैंने इसमें भी पौधा लगाया था टमाटर का कल सुबह, तो ये भी सूख गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार में, हर बार से ज़्यादा गर्मी है। ये भी हमारी तरबूज की बेल एकदम फ्रूटिंग पे आ रही है, और यहाँ पे जो मैंने लगाए थे टमाटर के पौधे ये हरे हैं देखो, और अब पानी मिल जाएगा तो और भी हरे होंगे। इस बैंगन की हार्वेस्टिंग मैं, इसकी भी और दूसरे भी हैं उनकी मैं हार्वेस्टिंग करूंगी कल, शायद मैं कल हार्वेस्टिंग करूंगी या तो बैंगन की या फिर पालक की, और मिर्ची की हार्वेस्टिंग मैं करके लेगी थी यहाँ से, मैं मुझे 5-6 मिर्ची यहाँ पर दिखी थी तो मैं लेगी थी कल, जो कि मैंने दिखाई नहीं थी वो। और यहाँ पे कुछ पड़ोसी गैर कौम है तो वो इतनी बुरी कौम है गाइस, मैं आपको बता दूं। पहले तो ये देखिए ये अनार के पौधे अपने आप से जम रहे हैं, मैंने छोड़ दिए कि एक दो लेडीज तो इतनी बुरी हैं, बराबर में ही है बिल्कुल, देखते के साथ बोलती हैं और बहुत ज़्यादा ही हा हा करती रहती हैं, और एक के तो कई लड़की हैं वो भी मतलब कुछ ना कुछ देख के बोलती रहती है। और मेरा क्या काम है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं सुनती आई हूँ, लेकिन मैंने कभी जवाब दिया ही नहीं किसी को, तो शायद मेरी गलती यही रही है, शायद नहीं 100% मेरी गलती यही रही है। नहीं तो एक तो नाम लेके नहीं कहते ना लोग, तो ये थोड़ी सी बात हो जाती है।
कभी कुछ सुना के बोलती हैं, ये लेडीज कभी कुछ सुना के बोलती हैं, और बुजुर्ग हैं ये नहीं है कि वो है, मतलब आदत ही थोड़ी सी खराब सी है गाइस, तो आदत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ी सी नहीं, कि खुद तो उठा नहीं जाता और दूसरों को बात बनाते हैं, उस वाला इंसान वाली जो वो वाली थोड़ी आदत है। मेरे हस्बैंड की कुछ आदत ऐसी है तो थोड़ी हस्बैंड की वजह से मजाक वगैरह लेते हैं ना, तो मैं थोड़ी ना ऐसी आदत की हूँ, मैं थोड़ी ना मजाक लिवा लूँगी, पर मैंने भी आज तक बस कुछ बोला ही नहीं है, जब बोलूँगी तो अच्छे से फाड़ के भी धर दूंगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावर्स कितने अच्छे से खिल रहे हैं, और रूटिंग्स भी देखो बहुत अच्छी हो रही है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी झलक मैं दिखा देती हूँ उन औरतों की, देखो ये औरत है, ये देख सकते हैं, एक अभी थोड़ा सा मैंने अभी आपको दिखाया है, देखा भी होगा आपको, देखो इसमें भी जो मैंने बीज बोया था उग गया है, और इसमें भी घिया की बेल अच्छी चल रही है, और एक घर यहाँ पे है बराबर में, जो कि इस साइड में बराबर में है, तो बहुत बुरे लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड का नुकसान होता है ना गाइस, तो बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं, ताली पटका के हंसते हैं, बहुत बुरे लोग हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, इतनी मेहनत के लिए, क्योंकि मैं मेहनत करके आपको दिखाती हूँ।